लखनऊ में पारा 44 डिग्री पार है, ऐसे में घर से बाहर निकलने वालों के लिए प्याऊ ही सहारा है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार कम प्याऊ ही नजर आ रहे हैं। वहीं शीतल पेय वाले भी गायब हैं, ऐसे में जो प्याऊ चल रहे हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जा रहा है, जायजा लिया संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। आसमान से आग बरस रही है, चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। प्याऊ है एक, और इस प्याऊ की तस्वीर आपको दिखाएं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्याऊ में ये गोले बनाए गए हैं सफ़ेद तरीके के, और इन गोलों में लोग आते हैं, उसके बाद सैनिटाइज कराया जाता है उनको। ये देखिए, ये एक रिक्शा चालक हैं जो अभी अभी आए हैं, इनको सैनिटाइज कराया जा रहा है, और सैनिटाइज कराने के बाद इनको पानी दिया जाएगा। पानी लोटे में भरा हुआ है, हाथ धुलाए जा रहे हैं सैनिटाइजेशन के बाद, और बताशे भी रखे हुए हैं, इन बताशे और पानी ठंडा दिया जाएगा। तो प्याऊ का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और जो प्याऊ में पानी पिला रहे हैं वो भी देखिए मास्क लगाए हुए हैं, अपने चेहरे को ढके हुए हैं, और जो लोग भी आ रहे हैं वो भी अपने चेहरे को ढके हुए हैं। वैसे तो राजधानी लखनऊ में बहुत सारे प्याऊ काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना संक्रमण काल का पीरियड है, इसलिए ज़्यादा लोग प्याऊ भी नहीं चला पा रहे हैं। जिनके पास अपनी जगह है और जो काफ़ी सालों से चला रहे हैं वो ही यहाँ पर प्याऊ का संचालन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही जो शिकंजी वाले होते हैं वो, और जो पना होते हैं पुदीने का, अमिया का पना जो बनाते हैं, वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं सड़क पर, क्योंकि उनको भी जिला प्रशासन ने किसी तरीके से राहत नहीं दी है या उनको अनुमति नहीं दी है। तो कुछ इस तरीके से लखनऊ में जो लोग निकल रहे हैं वो भीषण गर्मी को झेलने को मजबूर हैं। लखनऊ से बड़े सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, अभी तो जून जुलाई बाकी है, ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग कई उपाय कर रहे हैं। प्रयागराज में मंगलवार को पारा 47.6 डिग्री जा पहुंचा। लॉकडाउन के चलते पहले से ही सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन 4 में ढील मिलने के बावजूद गर्मी की वजह से लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। प्रयागराज से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह। प्रयागराज सहित आसपास का पूरा इलाका इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, और अगर तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसका जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, और जिस तरह से लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली थी, लोगों ने समझा था कि अपने ज़रूरी काम निपटाएंगे, और बहुत दिनों से जो काम और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करेंगे, लेकिन लगातार तापमान इतना ज़्यादा बना हुआ है बीते कुछ दिनों से कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और जो लोग निकल रहे हैं बहुत ज़रूरी काम है जिनको, वो लोग निकल रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि 47 के ऊपर तापमान का मतलब ये होता है कि अगर आप लू की, अगर आप धूप की चपेट में आ गया तो आप बीमार होकर के अस्पताल पहुँच सकते हैं। बीती शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई, तापमान दिन भर 47 के पार जाने के बाद, और उसके बाद थोड़ी सी तेज़ हवा आंधी जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे तापमान अपनी लय में आ गया, और फिर लगता है कि आज सुबह दिन निकलने के बाद थोड़ा सा बदली जैसा मौसम था, और उसके बाद फिर तेज़ धूप निकल आई है। तो देखना ये होगा कि 1994 का जो 48.4 डिग्री का तापमान है प्रयागराज का, क्या वो टूटने जा रहा है, क्योंकि 47.6 डिग्री पहले ही हो चुका है। तो आने वाले कुछ दिन और लोगों को मुश्किल उठानी होगी, और स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि जो नौतपा लग चुका है, नौतपा यानी 9 दिन जो किसी भी गर्मी के मौसम में सबसे अधिक गर्म होते हैं, और उन 9 दिनों में से 4 दिन बीत चुके हैं, तो 4-5 दिन इस लिहाज से भी अभी बाकी हैं। मौसम विज्ञानी भी कह रहे हैं कि लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, लिहाजा एहतियात के साथ घर से निकले, और जिस तरह की गर्मी है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उससे लोगों को मुश्किल हो सकती है, लिहाजा लोगों के लिए निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अपने साथ पूरी तैयारी से घर से निकलें, पेय पदार्थ का सेवन करें, कम से कम शरीर को अपनी अच्छी तरह से कवर करके ही घर से बाहर निकलें, नहीं आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, हीट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों तक ये सिलसिला इसी तरह से, गर्मी की बात करें, तापमान की बात करें, तो इसी तरह से जारी रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।